नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए साथ ही बिहार के ज्यादातर आबादी को टीका लगाने के उद्देश्य से आने वाले 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि सरकार का यह लक्ष्य एक समय के लिए पूरा होता तो नजर आ रहा था, लेकिन अब सरकार के नए फैसले ने इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल बना दिया है। इतना ही नहीं, तीसरी लहर को देखते हुए बिहार की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण करना भी मुश्किल नजर आ रहा है, जिसके बाद यही सवाल उठ रहा है कि सरकार के इस फैसले से 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि बिहार में अब टीकाकरण अभियान को हफ्ते में 5 दिन ही करने का फैसला लिया गया है, जो कि हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को टीकाकरण किया जाएगा, जबकि 2 दिन नियमित टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रविवार को विशेष परिस्थिति में टीकाकरण किया जाएगा, जिसका असर अब बिहार में दिखने लगा है। गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले से एक तबके को जरूर फायदा होगा, वो है टीकाकरण में शामिल लोगों को। ऐसे लोगों को इस नई योजना के तहत बेशक ही राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जब से बिहार में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से टीकाकरण की प्रक्रिया में जुड़े लोगों ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले से टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करना और सबसे बड़ी बात समय पर पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर हम आंकड़ों को देखें तो नई योजना के बाद 8 जिलों में टीकाकरण तो हुआ ही नहीं, वहीं 5 जिलों में 100 से भी कम रविवार को टीके लगाए गए हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि बुधवार को सिर्फ नियमित टीकाकरण किया जाएगा, गुरुवार को नियमित टीकाकरण के साथ ही केंद्रों पर कोविड टीकाकरण भी जारी रहेगा। रविवार को टीकाकरण में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को अवकाश दिया जाएगा ताकि वो एक दिन आराम कर नई ऊर्जा के टीकाकरण कर सके और निर्धारित 6 महीने में 6 करोड़ टीके का लक्ष्य हासिल किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, टीकाकरण के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित करने के उद्देश्य से बिहार में 21 जून से राज्य सरकार की तरफ से टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हर दिन 3.30 लाख प्रतिदिन के औसत से टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण के फैसले के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग को अब हर दिन 5.70 लाख टीके के डोज लगाने होंगे, जो कि अपने आप नहीं एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि टीकाकरण की रफ्तार के बीच बार बार वैक्सीन की अनुपलब्धता की शिकायतें सामने आती रही हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को लेकर निर्देश जारी किया। हालांकि जानकारों की माने तो महाअभियान के महज 4 दिन में प्रदेश में 11.28 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, देश के साथ साथ बिहार में भी टीकाकरण की शुरुआत इस साल 16 जनवरी से हुई थी, जिसके तहत सरकार की तरफ से पहले हेल्थ वर्कर और फिर फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण किया गया, जिसके बाद मार्च महीने में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण के लिए योग्य करार किया गया और फिर 18 साल से ज्यादा के युवाओं को वैक्सीन देने का काम किया गया। हालांकि उम्र की बाध्यता के कारण कई खुराक वैक्सीन बर्बाद भी हुए, साथ ही काफी समय तक बिहार में वैक्सीन नहीं होने की समस्या भी देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग के सामने वर्तमान समय में काफी चुनौतियां मौजूद है, ऐसे में टीकाकरण की रफ्तार को धीमा करने से संभावित तीसरी लहर बिहार के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।